तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मॉड्यूल। जो भी डाउट होगा तो बताना है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से रीड करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फाइव फाइव 5। देखो, फाइव में कह रहा है कि अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इफ द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट कॉन्स्टेंट रेट देन फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईएमएफ के लिए क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स बराबर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया। चूंकि रेडियस चेंज हो रहा है इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएट कर दो ईएमएफ के लिए डी फाई बाई डी टी। तो इट इज बी कॉन्स्टेंट बाहर आएगा पाई, और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल बनेगा 2 आर डी आर बाई डी टी। ये बनेगा बी यहां पे पाई और आर स्क्वायर का 2 आर डी आर बाई टी बनेगा। अब देखना बी की वैल्यू कितनी है, 0.02 उठा के रख दो। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, यहां पे रख दो। डी आर बाई टी क्या है, 1 mm, यहां पर रख दो। आ गया ईएमएफ की वैल्यू। बात समझ में आई? हेलो, जीरो दिया उसने। ठीक है, आंसर है दिस वन। ठीक है, आंसर गलत दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझा दीजिए। इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन 11 कह रहा है कि हीट पेसिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स रेडियस 1 mm जस्ट इनसाइड द बॉडी विद द कॉइल ऑफ इतना टर्न्स रेडियस इतना प्लेस इन कंसेंट्रिक कोएक्सियली जस्ट आउटसाइड द बॉडी। कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंटरनल कॉइल इफ करंट 1 एम्पियर इन एक्सटर्नल कॉइल कोलैप्स इन 10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ। तो अब तुम्हें मोबाइल पे देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एन हीट पेसिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न रेडियस 1 mm। पचास टर्न है इसमें, नंबर ऑफ टर्न 50 है, और जो रेडियस है ये दिस इज 1 mm। जस्ट इन साइड द बॉडी विद अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न रेडियस 2 सेंटीमीटर प्लेस कोएक्सली, मतलब ये एक सर्कुलर रिंग के अंदर है जिसमें 1000 टर्न है और 2 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन इंटरनल कॉइल इफ करंट 1 एम्पियर इन एक्सटर्नल कॉइल कोलैप्स इन 10 सेकेंड। इसमें जो करंट 1 एम्पियर है ना वो 10 सेकेंड में कोलैप्स हो जा रहा है, मतलब जीरो हो जा रहा है, करंट की वैल्यू जीरो हो जा रही है। कह रहा है कि इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा। तो देखो, एवरेज ईएमएफ की जो वैल्यू होती है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो अब तुम्हें डेल्टा फाइव निकालना पड़ेगा। फाइनल फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि जब बाहर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, तो फाइनल फ्लक्स जीरो होगा। और इनिशियल फ्लक्स निकाल लें एंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। और फाइव इनिशियल निकालना है। फाइव इनिशियल क्या होगा, ये जो रिंग है इस रिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये जो रिंग है इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और ये जो आर है वो 1 mm है। तो 1 mm जो है ना, इट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से बहुत ही कम है।
तो तुम बाहर वाले की वजह से निकाल सकते हो, इस बाहर वाले की वजह से इसके सेंटर का फील्ड निकालो। तो रिंग के वजह से उसके सेंटर का फील्ड होता है म्यू नॉट आई, आई वन एम्पियर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू इंटू आर, और आर क्या है 2 सेंटीमीटर, म्यू नॉट आई बाई टू आर। तो ये जो है इस वायर के वजह से इसके सेंटर का फील्ड आ गया जो कितना आया, लेकिन ये 1000 टर्न है ना, एक टर्न इतना फील्ड देता है, तो 1000 टर्न कितना फील्ड देगा, 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये फील्ड आ गया बेसिकली इसके सेंटर की। अब इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इसके एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, आर क्या है 1 mm का स्क्वायर करते हैं, पाई आर स्क्वायर कर दिया, पाई आर स्क्वायर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में पाई आर स्क्वायर किया तो इसका फ्लक्स आ गया, लेकिन एक कॉयल का फ्लक्स, एक कॉयल का फ्लक्स आया कितने कॉयल है 50 कॉयल है, तो इसमें 50 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द नेट फ्लक्स इनिशियल, उठा के यहां पर रख दो तुम्हें एवरेज ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बाय 12, 12 क्वेश्चन, उसका मैंने क्लास में डिस्कस किया था, कौन सा 12 क्वेश्चन के सारे पार्ट किए थे क्लास में डिस्कस, कब किए थे कॉपी में देखो होगा, कॉपी में नहीं है ये वाला मेरी, इसमें क्या ये हमें पता करना है कि इस डायमीटर में कितना करंट फ्लो करेगा, तो इस वाले में करंट सिमेट्री से जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा सिमेट्री से, तो अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें भी ऐसे ही फ्लो करेगा, ऐसे इसका करंट ऐसे और इसका करंट ऐसे, मान लो इधर से करंट अगर आई आ रहा है, ऐसे आई आ रहा है, तो इसमें अगर आई वन गया, लेट्स इसमें आई वन गया, तो इसमें कितना फ्लो करेगा आई माइनस आई वन, और सिमेट्री से ये करंट और ये करंट सेम होना चाहिए, ये करंट ये करंट सेम होना चाहिए, दिस मीन्स आई इज इक्वल टू आई माइनस आई वन होना चाहिए, आंसर आई वन इज रॉन्ग, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जितना इसमें होना चाहिए उतना इसमें करेगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। फिर क्या है इससे बताइए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अवे टुवर्ड बियॉन्ड द प्लेन एंड ड्रॉइंग, अवे मुझसे अवे है और डिमिनिशिंग घट रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रॉस से रिप्रेजेंट है, क्रॉस से रिप्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस से रिप्रेजेंट है और अंदर की ओर है और फील्ड घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट है अंदर की ओर है और घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट है और अंदर की ओर है और घट रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, नहीं बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इधर अंदर की ओर, तो थंब को जब अंदर लगाओगे इस रीजन में यहीं पे लगाओ, जब थंब को तुम अंदर लगाओगे अंदर ऐसे लगाओगे तो फिंगर ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना, इस सेंस में आएगा, ऊपर वाले में इस सेंस में जाएगा, इसका मतलब कि इसमें करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, और जब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तो करंट ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए ऐसे आएगा, ऐसे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, दिस वन इज आंसर, क्योंकि इससे अगर फ्लक्स बढ़ रहा है नीचे को घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बढ़ाने की कोशिश के लिए थंब को और अंदर करना पड़ेगा, फिंगर ऐसे आ रहा है दाहिने हाथ का फिंगर, तो बाहर वाले में करंट ऐसे फ्लो करेगा तो अंदर वाले में ऐसे फ्लो करेगा। फिर कह रहा है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें देखो 0 करंट आएगा, क्यों, वही जिस तरीके से ये डायग्राम है वैसे ये भी डायग्राम है, तुम सही से देखो तो ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम कोई अंतर नहीं है, इसमें यहाँ करंट मान लो आई है तो सिमेट्री से इसमें भी करंट आई होना चाहिए सिमेट्री से, इसका मतलब कि इसमें करंट क्या फ्लो करना चाहिए 0। अब कह रहा है इसमें, इसमें बताइए, इसमें पूछ रहा है कितना का, इसमें इसमें सेंस क्या होगा, तो ये बड़ा है ये छोटा एरिया है तो ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा इससे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है क्रॉस से है और ये अंदर की ओर डोमिनेट कर रहा है, ये फील्ड लाइन अंदर को इंक्रीज कर रही है, तो अगर अंदर को फील्ड इंक्रीज कर रही है तो थंब को अंदर को लगा दो तो फिंगर बताएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का फिंगर, तो इस पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, फिर ये डोमिनेट कर रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा सर्कुलेट हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ऑल लूप। क्वेश्चन नंबर 13, 14,
सर पहले वाले में सर उससे तो फ्लो नहीं करेगा ना पीछे से, डायमीटर से ही फ्लो करेगा। आई वन जीरो आ गया देखो, ठीक 13 14 15 16 17 15 15 में कह रहा है। इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द ईएमएफ इन द टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड बी एंड हाइट वाई। इसमें कह रहा है कि ईएमएफ बताइए, ईएमएफ ये दूरी वाई है तो इससे तुम फ्लक्स निकाल लो, इससे नेट फ्लक्स निकाल लो, और फ्लक्स निकालने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर दे देगा। चलो बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे चलता है। ओके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके रेडियस आर है, ये मान लो ये दूरी वाई है किसी टाइम पे, उसका रेडियस स्मॉल आर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखी हुई है, अ कॉयल ए सी डी एंटर रेडियस आर, अ वेरी स्मॉल हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर प्लेस एट डिस्टेंस वाई नॉट फ्रॉम द सेंटर एंड कॉइल वर्टिकल अबव द कोर, इतना फाइंड द एक्सप्रेशन ईएमएफ इतना के इज अलाउड टू फॉल। ठीक है, ये रेडियस स्मॉल आर बहुत कम है ना, तो इस रिंग की वजह से इसके सेंटर का फील्ड निकाल लो, फील्ड क्या आएगा एक्सेस पे, दिस इज म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का पावर आता है 3/2। इसकी वजह से जो वाई ध्रुव फील्ड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, म्यू नॉट एन आई टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 आता है। तो फ्लक्स कितना आएगा, और इसमें फ्लक्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइड बाई टू, और इसके एरिया बनेगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और इसके ऊपर भेज दो तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर माइनस 3/2। ईएमएफ क्या होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, बनेगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, ये बनेगा माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर माइनस 5/2, और इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2y dy by dt। अच्छा ये dy by dt इज नथिंग बट ये dy by dt कुछ और नहीं, इसकी वेलोसिटी होगी v, ये y की सेट से चेंज हो रहा है वही तो इसकी वेलोसिटी v कहलाएगी, तो यहाँ पे dy by dt पे v कर दो, इसके पे वेलोसिटी v रख दो, और y की वैल्यू उन्होंने कह रहा है y नॉट है, तो यहाँ पे y नॉट रख दो, y नॉट रख दो, आ गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 8 9 सर 20 21 में सर चार्ज बता दीजिए, मतलब अपर चार्ज रहेगा पॉजिटिवली या लोअर चार्ज रहेगा, मेटल वायर ऑफ पीक्यू ऑफ लेंथ 1 एमएम सेड मूव विद वेलोसिटी इतना ही ना डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसमें डायग्राम दी है तो ठीक है नीचे रहेगा, तो मतलब हायर पोटेंशियल किस साइड आएगा, अपर एंड लोअर एंड, इस तरीके से बना हुआ पी एंड क्यू एंड इधर भाग रहा है एंड क्रॉस से दिखा रहा है, वी क्रॉस वी लगाओ, वी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे कर है अंदर है तो वी क्रॉस वी थंब आ गया ऊपर, तो ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पे जाएगा और नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। यस 22 23 24 25 26 7 26 का आंसर नहीं मैच मेरा भी, तो क्वेश्चन नंबर 26 रिसर्च कर रहा है, कह रहा मेटल रॉड ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज फिक्स्ड एट
along a diameter of conducting ring of radius 0.1 मीटर. एक कंडक्टिंग रिंग है रेडियस इतने का, मेटल रॉड इतना, इस प्लेस अलोंग द डायमीटर, डायमीटर के लॉन्ग है. ऑन एक्स वाई प्लेन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड बी, द रिंग रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी इतना, विथ एंगुलर वेलोसिटी इतना, एंड अबाउट इट्स एक्सिस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेंटर ऑफ द रिंग एंड रिंग, फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, डायग्राम बनाओ. क्वेश्चन नंबर 26. मेटल रॉड ऑफ रेडियस 20 फिक्स अलोंग डायमीटर ऑफ द कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर. तो रेडियस जो है, रेडियस ये 0.1 मीटर के बराबर है, और इस कंडक्टिंग रिंग का जो रेडियस है ना, रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस दिया गया कितना, 20 ओम का है. 20 ओम का मतलब ये भी 10 ओम होगा, ये भी 10 ओम होगा, तभी तो दोनों 20 ओम बन गया. बाकी ये सब कंडक्टिंग वायर है. ये नेक्स्ट वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड 50 टेस्ला का, मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड दिस इज 50 टेस्ला. द रिंग रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी इतना अबाउट इट्स एक्सिस. अपने एक्सिस के लॉन्ग, मतलब एक्सिस के लॉन्ग ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, विथ एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड. एन एक्सटर्नल 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेंटर ऑफ रिंग एंड रिंग. यहां पे 10 ओम का एक रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट हो गया. फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कह रहा है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा. ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे. ऐसा देखो, ये पूरा पूरा कंडक्टिंग वायर है, तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा, इसका भी जीरो, इसको भी जीरो नाम दे दो, पोटेंशियल सबका जीरो बोल दो, सबका पोटेंशियल इक्वल होगा ना, तो जीरो जीरो मान लिया पोटेंशियल. अब ये वाला हायर पोटेंशियल होगा कि ये वाला एंड हायर पोटेंशियल होगा, जबकि रॉड ऐसे भाग रहा है. जबकि रॉड जो है ऐसे घूम रहा है, तो भी क्रॉस भी लगा, तो भी वेलोसिटी, इस रॉड की बात कर रहा हूँ, इस रॉड की वेलोसिटी ऊपर है, अब मैं ऊपर करो, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है मेरे तरफ है, तो भी ऊपर, क्रॉस भी मेरे तरफ करोगे, थंब आएगा इधर, मतलब इसकी, इस रॉड की जो हायर पोलैरिटी है वो इस तरीके से है, और यहाँ पे इस रॉड में ये भाग रहा है इधर, और डॉट प्रोडक्ट है, तो भी क्रॉस भी इधर है नीचे को, और आएगा मेरे तरफ बी, तो थम आएगा इधर, तो इसकी हायर पोलैरिटी तुम्हें इस तरीके से दिखेगी, ऐसे दिखेगी. और इसके विषय में क्या कहा है, नहीं वो नहीं घूम रहा, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द सेंटर ऑफ रिंग एंड रिंग, ये नहीं घूम रहा. तो अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो इसका ईएमएफ निकाल, ये जो ईएमएफ होगा, दिस इज बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू फॉर्मूला होता है. मैग्नेटिक फील्ड बी किस बराबर है, 50 के बराबर है, ओमेगा है 20, और ये कितना है, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2. तो बी है 50, ओमेगा है 20, और ए है 0.1 का स्क्वायर. इससे ये कट के 10 बनाएगा, और ये 10 10 यहाँ मिला के 5 बना देगा. अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 1 दे दो, तो बनेगा 1, ये नंबर 1 है 1, फिर रेजिस्टेंस, फिर इस तरीके से दिस इज 10 एंड 5. फिर ये 1 से ये 0 कनेक्ट है, तो फिर 1 आगे बढ़ा के ऐसे बना देना, इस तरीके से ये 0 वाला पार्ट, ये भी 10 है, ये भी 5 है. अब देखो क्या है, ये 0 और 1 के बीच में कनेक्ट है इस तरीके से, और ये 10 के बराबर. तो ये इक्विवेलेंट बैटरी कॉन्सेप्ट हो गया, इक्विवेलेंट बैटरी कॉन्सेप्ट इसका निकाल लो, ये 5 10, ये 5 10 ना, तो इक्विवेलेंट बैटरी आएगी 5 के ही बराबर आएगी, लेकिन ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल आ गए, तो इक्विवेलेंट 5 आएगा. अब इस तरीके से है ये 10. अब इसमें कोई पूछ रहा करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट आई इज ईएमएफ 5 है, एंड नेट रेजिस्टेंस दैट इज 15, 1/3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा.
आंसर 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 29 का सर सी और डी आर। 29 का सर सी और डी आर। हाँ सर 29 का सी और डी। सर आधा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर एबीसीडी इतना मीटर टोटल रेजिस्टेंस फोर ओम इट्स पुल्ड अप। ठीक है फिर इसको व्हाइट बोर्ड पे ले चलो। क्वेश्चन नंबर 29 इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का है मतलब एक आर्म का लेंथ, एक आर्म में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब वी क्रॉस वी पुल्ड आउट मैग्नेटिक फील्ड इतना, अप्लाइंग ऑफ फोर्स इतना, फाउंड दैट द फ्रेम मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। गुड तो भी आगे है ना, तो भी क्रॉस भी, भी अंदर है तो थम ऊपर आएगा, हायर पोलैरिटी ऊपर को आएगी, ए बी में हायर पोलैरिटी ऊपर को आएगी, ए बी में हायर पोलैरिटी ऊपर को आएगी, इस तरीके से बनेगा। इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, ए बी वन ओम का, 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 और ये ई एम एफ है बी बी एल, बी बी इंटू, और एल ए कितना है? वन है तो वन। अब चलो ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे, ईएमएफ के लिए मैं क्या करूंगा, वी बी इंटू एल, एल वन है, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा अभी। अच्छा चूंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, अच्छा इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा नेट ईएमएफ वी बी अपॉन इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस दैट इज वन 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 वन, दिस वन इज फोर, करंट आ गया। अब इस वायर पे जो फोर्स लगा हुआ, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, वो पीछे पर लगेगा, इस पे तो लगेगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके इस रीजन में है, इधर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है, तो फोर्स सिर्फ इस पे लगेगा पीछे की ओर, तो लगेगा भाई देखो करंट ऐसे है एन क्रॉस रिप्रेजेंट करो तो आई एल क्रॉस भी थम इधर नहीं आ रहा। वो फोर्स दिया गया उन्होंने, एक न्यूटन फोर्स दिया गया, एक न्यूटन का फोर्स है, क्या लिखोगे, फोर्स बराबर आई एल बी आई ए बी बी अपॉन फोर आई एल इंटू बी, आई एल बी फोर्स होता है, b की वैल्यू 1 दिया है क्वेश्चन में, b इक्वल्स टू 1 दिया है, b 1 b 1 और l 1 है, इसका लेंथ 1 मीटर तो b 1 होगा, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 4। करंट कितना आएगा, 4 यहां पर रख दो, ये वाला रख दो, करंट आ गया 1। अब इसके अक्रॉस पड़ी कौन सा पड़ा था, कौन सा पड़ा था, c और d ना, सी एंड डी, सी में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, कह रहा है इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। अच्छा ये बैटरी डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, याद करो, तो इसका ईएमएफ ये ईएमएफ है, तो ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ आएगा तुम्हारा वेलोसिटी कितना, 4 4 और बी 1 है तो बन जाएगा 4, तो बनेगा 4 माइनस आई कितना है, आई 1 है वहां रख दो, इस पार्ट में रेजिस्टेंस कितना है दैट इज ओनली 1 ओम, 1 ओम, डाउट होगा बताना, तो आंसर इज 3। एंड डी पार्ट कह रहा है सर डिस्चार्जिंग कैसे पता चला, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, डिस्चार्जिंग कैसे पता चला, तो बैटरी के नेगेटिव से अगर पॉजिटिव तरफ करंट जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसका तो डिस्चार्जिंग है। हां सर डी पार्ट में कह रहा है द पोटेंशियल बिटवीन सी डी, ये है सी और ये डी, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिंपल आई आर होगा, ये करंट तो सिर्फ आई करंट ही है ना, बैटरी इसमें है नहीं, दैट इज आई इंटू आर कितना है 1 ओम, और आई कितना है 1, तो 1 इज टू 1, आंसर इज 1। डाउट है किसी को तो बता दो। ओके अब क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 36 में कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू कीप द स्लाइडिंग वायर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, इफ द फोर्स नीडेड जस्ट आफ्टर t बाय 0 इज f0, फाइंड द टाइम एट विद द फोर्स नीडेड टू बी f0 बाय 2। देखो 34 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है,
34 से लिया गया है, 34 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 34 में इस तरीके से वायर फ्रेम है, दिस लेंथ इज एल, a wire of length l is slide on u shape wire with the constant velocity v toward right, the resistance of the all wire is r per unit length, resistance per unit length jo hai small r ke barabar hai, theek hai। consider the previous problem, calculate the force needed to keep the sliding wire moving with कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी, ये पार्ट ठीक है। इफ फोर्स नीडेड जस्ट आफ्टर टी बराबर जीरो इज एफर्ट देन फाइंड, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लो इसका। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा, दिस इज आर इंटू एल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में एल मल्टीप्लाई कर दो। और टी टाइम में ये कितना दूरी तय करेगा, वी टी दूरी तय करेगा, टी टाइम में वी टी दूरी तय करेगा, क्योंकि टी टाइम में ये फ्रेम यहाँ पे था टी बराबर जीरो पे, तो टी टाइम में इतना दूरी तय करेगा। तो इसका भी दिखा दो रेजिस्टेंस, दिस इज वी टी इंटू आर, फिर वैसे यहाँ भी दिखा दो, दिस इज वी टी इंटू आर। अच्छा यहाँ पे हाई पोलैरिटी पर दिखाओगे वी क्रॉस वी से, और रेजिस्टेंस भी दिखाओगे, तो ये बनेगा वी वी इंटू एल, और ये बनेगा अगेन आर इंटू एल, क्योंकि दूरी एल है। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट की जो वैल्यू आएगी, दिस करंट इज नथिंग बट एम ए वी वी एल एंड डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस, ये सब जोड़ दो। तो आर एल आर एल टू एल, ये ट्वाइस का टर्म बनेगा, तो बनेगा ट्वाइस ऑफ एल, कॉमन निकलेगा आर प्लस ट्वाइस ऑफ एल, कॉमन आएगा ना, ट्वाइस एल कॉमन आएगा, ठीक है। तो आर यहां से बचेगा, यहां से ट्वाइस, नहीं इसमें तो एल कॉमन नहीं आएगा, ट्वाइस बस कॉमन आएगा, एल कॉमन नहीं आएगा। तो बनेगा आर एल प्लस, ये बनेगा क्या, आर वी टी, अच्छा आर कॉमन आ जाएगा, सॉरी आर कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या, आर कॉमन निकालोगे तो यहां से आएगा एल प्लस, यहां से क्या आएगा, वी टी आएगा। समझ सकते हो मैं क्या लिखा हूँ, टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ के क्या लिखा हूँ, तो टू आर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आर इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, ये करंट आ गया। तो फोर्स क्या होता है, आई एल बी होता है, इसे फोर्स होगा आई एल बी, तो इसी में बी एल मल्टीप्लाई कर दो, तो बन गया भी b square l square upon twice of r l plus bt, this is the answer of first question। second question में कह रहा है कि t बराबर जीरो पे अगर ये वैल्यू f नॉट के बराबर है, f f नॉट बराबर है, तो बताइए find the time at which the force needed will be f नॉट by 2, किस टाइम पे फोर्स f नॉट by 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो t के वैल्यू जीरो प्लेस कर दो इसमें, इसके पे f नॉट रख दो, तो f नॉट बराबर क्या आ गया, भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान ट्वाइस आर एल बनेगा, टी के पे जो रखोगे तब। अब क्या करना है तुम्हें, एफ नॉट बाई टू दिखाना है ना, तो इसके जगह पे इसका हाफ कर दो, तो बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान फोर आर एल कर दो, बराबर बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान ट्वाइस ऑफ आर एल प्लस बी टी। तो यहां से ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और आर से आर कटेगा, तो क्या बनेगा, टू से टू कटेगा, बनेगा टू एल इज इक्वल टू 2l बराबर 2 से 2 कट गया, l प्लस vt, देन व्हाट इज द टाइम, द टाइम इज नथिंग बट l अपॉन v, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके बाद सर 32 में c पार्ट एक बार बता दीजिए, अरे इसको क्लास में भी करवाया गया था क्वेश्चन 32 वाला, इसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखवा निकलवाया गया होगा, तो फंक्शन ऐसा आया होगा v बराबर कुछ आया होगा v नॉट 1 माइनस e टू द पावर समथिंग आया होगा, तो टाइम इनफिनाइट प्लेस करोगे उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एक्चुअल में होगा ये कि मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगेगा, दैट इज आई एल बी, और आगे कर तुमने फोर्स एफ लगाया है,
तो जिस समय ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाए उस समय इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जब तक ये फोर्स इससे ज्यादा रहेगा ये एक्सीलरेट होता रहेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगा। क्यों भाई? करंट आई क्या होगा, वी बी एल अपान आर होगा और एल बी मल्टीप्लाई कर दो, ये फोर्स बन गया ये। और जितना ये आगे ये फोर्स इससे ज्यादा रहेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, स्पीड बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो कभी ना कभी ये वैल्यू इसकी इक्वेट हो जाएगी। जब इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी, उस समय इसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी और वो मैक्सिमम स्पीड आएगा इस रॉड का, एंड दैट इज नोन एज टर्मिनल स्पीड, और वो कांस्टेंट हो जाएगा। देखो तो वही पता चल गया कि एक समय में बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। वही पूछा है कि प्रूफ करो कि कुछ समय बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अभी नहीं समझ आया? आ गया सर, अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं आ मीटिंग गया करता हूँ, सर। दोबारा ज्वाइन करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद, नहीं 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37 भी ना मैंने क्लास में कराई थी, याद करो इसमें क्वेश्चन आया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन करके आया। वो 37 में कह रहा है कि अ वायर ऑफ मास एम लेंथ एल स्लाइड इतना इतना वर्टिकल है, द मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिट इन रीजन इन डायरेक्शन इतना अनचार्ज कैपेसिटी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एट एनी टाइम टी आफ्टर रिलीज। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर है, एबीडी बना दो इसका, तो वेलोसिटी भी नीचे को रहे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को रहे, तो वी क्रॉस बी से हायर प्रायोरिटी इधर आएगी, तो हायर प्रायोरिटी तुम ऐसे दिखाओगे, हो जाएगा वी बी एल। अब वी बी एल बन गया सर्किट डायग्राम, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट इज क्यू, क्यू बराबर होता है सी वी, ये लगा दो वी बी एल। अब इस रॉड के बीडी बनाओगे तो एम जी नीचे को दिखेगा और माइग्रेटिक फोर्स आई एल बी ऊपर को दिखेगा, आई एल इंटू बी। अब इसमें फोर्स इक्वेशन लिखो, दिस इज एम जी माइनस आई एल बी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इस आई को निकालने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी क्यू बाई डी टी आई क्या लाएगा, तो बन जाएगा सी, और डी वी बाई डी टी ए बनेगा बी इंटू एल, ये लिख लिया। अच्छा तो ये बन गया क्या, एम जी आई के जगह मिल सकता हूँ सी ए बी एल, तो बन जाएगा सी ए बी स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर एम ए। इससे इसको इधर भेज दो तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा एम जी अपान एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये बन गया। बट ये तो कांस्टेंट आ गया क्योंकि मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन बन गया। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होता है, वी बराबर यू प्लस ए टी लगाते हो, यू प्लस ए टी, और ए उठा के यहाँ पर रख दो, टी मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पर, 38, 39। सर जैसे जो हम लोग जैसे जिस अगर किसी बॉडी है उस पर फोर्स लगता है और वो इंडक्शन उसमें इंडक्शन डेवलप होता है, तो सर जो फोर्स लगता है आई एल बी वो तो हमेशा जो फोर्स नीचे उस पर नीचे को आ अप्लाइड रहा होगा ना, उसके अगर अपोजिट ही नीचे एक्ट को वेलोसिटी करेगा बी से ना। आ रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है ना, करंट ऐसे आई एल क्रॉस भी, देखो आई एल क्रॉस भी थंब ऊपर आ रहा है, और वैसे भी इससे फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो सिस्टम क्या चाहेगा कि फ्लक्स को बढ़ने से रोका जाए, तो ये जो रॉड नीचे भाग रहा था उस पर फोर्स ऊपर लगा देगा इसके। यस 39, यस 40, 41, 42, 41 कह रहा है कि वायर से, 41 स्ट्रेट वायर हुज रेजिस्टेंस आर परमानेंट लेंथ इज बेंट इन फॉर्म ऑफ 2α, अ रॉड ऑफ सेम इतना 2α फॉर्म अ क्लोज ट्रायंगल लूप, द लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, कैलकुलेट द करंट इन द वायर विद द रॉड मूव विद द कांस्टेंट स्पीड।
स्ट्रेट वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर परमिट लेंथ बेंड टू द एंगल अल्फा। 47 में इस तरीके से ये जो एंगल है एंड रेजिस्टेंस पर रूट लेंथ आर के बराबर है। इसके ऊपर एक रॉड है, रॉड ऑफ द रॉड ऑफ सेम वायर परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ क्लोज ट्रायंगुलर लूप। द लूप इज प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। कैलकुलेट द करंट इन द वायर विद द रॉड मूव विद कांस्टेंट स्पीड बी। स्ट्रेट वायर विद द रेजिस्टेंस इतना परमिट लेंथ बेंड टू इतना, द रॉड इज सेम वायर परपेंडिकुलर टू द इतना, क्लोज ट्रायंगुलर लूप बनाता है, क्लोज ट्रायंगुलर लूप। द लूप इज प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, कैलकुलेट द करंट इन। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके एंगल बाई सेक्टर पे ना परपेंडिकुलर है एक लूप, ऐसा ये ना दे क्लोज लूप बनाता है। तो कह रहा है कि बताइए करंट अगर इसकी स्पीड भी है तो करंट बताइए। ठीक है, अच्छा मान लो ये लेंथ एक्स के बराबर है, ये वाला एंगल अल्फा है आधा एंगल, तो ये जो लेंथ होगा ना, ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज नथिंग बट एक्स कॉट अल्फा बनेगा। देखो ये एक्स है, ये बेस है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो एक्स कॉट अल्फा बनेगा। तो इस लूप से जो नेट फ्लक्स आएगा, इस फ्लक्स की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू इस ट्रायंगल की एरिया, दैट इज 1/2 बेस बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये दूरी, ये बनेगा एक्स कॉट अल्फा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा, ये बनेगा फ्लक्स आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ईएमएफ आ जाएगा। टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो बनेगा बी कॉट अल्फा अपॉन टू बी कॉट अल्फा एक्स स्क्वायर बनेगा 2x डीएक्स बाय डीटी, एंड डीएक्स बाय डीटी डीएक्स बाय डीटी ये किस साइड से चेंज हुआ ये निकालना है, डीएक्स बाय डीटी रहना दिख रहा डीएक्स बाय डीटी। अच्छा एक बात बताओ, ये दूरी अपने मन से मैंने वाई मान लिया, this is the y, this distance is y, तो y क्या होगा, x cot alpha होगा, differentiate कर दो, divide by dt, तो ये बनेगा dx by dt। इतना मैं क्यों कर रहा हूँ, VBL करता आंसर दे देता, differentiate कर दो कोई बात नहीं, that is dx by dt into cot alpha, divide by dt ही, तो इसकी इस ये y है, वही के बराबर कर दिया, तो इससे dx, इसको मैंने भी के बराबर कर दिया, तो इससे dx by dt की वैल्यू मिल गई v अपान cot alpha। अब उठा के तुम यहां पर रख दो v अपान cot alpha, तो ये हो जाएगा v अपान cot alpha रखोगे dx by dt की जगह पे, दिस इज नथिंग बट vbx बन गया। अब करंट किसके बराबर होगा, इस सर्किट का emf नेट emf यही है ना vbx, उसी को डिवाइड कर दो किससे, इस सर्किट के नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो मुझे बताओ अगर रेजिस्टेंस पर लेंथ आर है तो ये दूरी एक्स है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, एक्स आर बनेगा प्लस, ये मैंने क्या कर दिया, ये एक्स कॉट अल्फा नहीं बनेगा ना, ये एक्स है तो आधा होगा ना, एक्स बाई टू होगा, एक्स बाई टू, तो ये बनेगा एक्स बाई टू कॉट अल्फा, ये बनेगा। और एरिया जब निकालोगे तो इसमें बाई टू का टर्म और आ जाएगा तो फोर बन जाएगा, तो ये बनेगा फोर का टर्म यहाँ पर अभी भी रहेगा। और ये क्या लिखे हो तुम, वाई बराबर, ये दूरी वाई है ना, वाई क्या आएगा एक्स बाई टू का क्वार्टर फोर बनेगा, फिर डिफरेंस बाई टू बनेगा, तो ये डी एक्स बाई डी टी बनेगा टू भी अपन इतना बनेगा, तो यहाँ पे टू लिखेंगे तो टू टू अच्छे तो यही आएगा, कोई बात नहीं, Vbx अपान x अल्फा x r इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब ये दूरी निकालनी पड़ेगी, अच्छा अगर ये दूरी x बाई टू है, x बाई टू है तो ये एंगल अल्फा है तो ये हाइपोटेनस है, तो बनेगा x बाई टू कोसेक अल्फा बनेगा, कोसेक अल्फा ये, और ये दूरी भी उतना ही बनेगा, तो ये टोटल लेंथ बनेगा x कोसेक अल्फा बनेगा टोटल लेंथ, और रेजिस्टेंस पर लेंथ स्मॉल आर है, मल्टीप्लाई कर दो इसे, देखो x x x कट जाएगा तो बन गया वी बी
अपान आर प्लस, आर कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस कोसेक अल्फा बन गया, तो आंसर इज वीबी साइन अल्फा एंड डिवाइड बाई, अरे ठीक है यही आंसर है। ठीक है अच्छा, ये मैं फ्लक्स निकाल के डिफरेंशिएट किया, इसके अलावा भी मैं चाहता तो मैं कर सकता था। ये जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ इसके लिए, ईएमएफ सीधे निकल जाता है वीबीएल से। ईएमएफ क्या होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ये लेंथ एल है ना, आ गया वीबीएल। ईएमएफ क्या होता है वीबीएल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 के बाद, 41 था सॉरी, क्वेश्चन इज 41, 42, 43, 44, सर डीवाई बाय चलिए डीटी इसे को ले लिया, वी ये तो वी दूरी है क्यों ना, लिया ये तो दूरी है। है, इसका रेट ऑफ चेंज इसकी वेलोसिटी कहलाएगी, बताओ। इसलिए 42, यस सर, 43, हाँ 44, 45, 46, 45 सर, 46 बताता हूँ आगे कहीं बता दो, 47, 48, 49, 50, 48 का सर ई और एफ पार्ट। फोर्टी नाइन, 50, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 56, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 62 66, 7, 8, 9, 70, 71, 72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आता, 45 में कह रहा है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद द टाइम एट द रेट ऑफ इतना इज अप्लाइड ऑन द रिंग ऑन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द रिंग, फाइंड द एंगुलर स्पीड अटेंड इन टाइम t1 बराबर 10 सेकंड। अ चार्ज रिंग ऑफ मास इतना ग्राम, चार्ज इतना कूलम एंड रेडियस इतना इज प्लेस ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद द रेट इतना अप्लाई टू द रिंग इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ रिंग। ठीक है क्वेश्चन नंबर 45, रिंग है 50 ग्राम का है, मास एम है, चार्ज क्यू है, बाद में मास एम क्यू रख देना, रेडियस लिख देता हूँ, रेडियस इज आर एंड टाइम एरिथमेटिक फील्ड बी दिया गया, दिस इज 0. डीवी बाई डी टी इज 0.2 टी। फाइंड द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड पूछ रहा है t1 टाइम पे, बताएं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से है देखो, टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद करने लिखवाया था आर अपॉन टू डीवी बाई डी टी होता है। अब एक बार इसको फॉर्मूला मुझे शायद याद नहीं आ रहा, आर बाई टू आर होता है ये होता है कि सर आर लेस देन आर के लिए सर होता आर स्क्वायर बाय टू आर होता है जब। ठीक है ऊपर सर, जब के बाहर आर इक्वल हो होता जाता है तो फिर आर बाय टू हो जाता है।
ऊपर कैपिटल आर होता है, नीचे नहीं तो स्मॉल आर लेस होता देन पे नहीं होता है। है, हाँ सर, ऊपर कैपिटल आर नीचे लेस देन पे स्मॉल क्या आर, होता है? लेस देन आर पे क्या होता है? लेस तो फिर आर ग्रेटर देन आर पे, लेस बस आर बाई टू डी बाई डी टी। देन आर पे आर बाई टू होता है ये। हाँ ठीक है, हाँ क्या बात है, यस इसमें सर, पहली बार तीत दिया नहीं यस तुमने। करंट सर, दोनों करंट साइड से निकालेंगे ना क्यू इंटू एफ से। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है ना, इस चार्ज पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, बट इन्होंने दिया नहीं है, तो तुम इक्वालिटी मान लो, आर्क बराबर कैपिटल आर मान लो, इक्वालिटी होल्ड कर दो। या सिंपल बेटर, इससे भी जरूरत नहीं है, सीधा फ्लक्स निकालो, ईएफ निकाल लो, आ जाएगा। फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ईएमएफ क्या आएगा? डिफरेंशिएट कर दो तो डीबी बाई डीटी इंटू पाई आर स्क्वायर। ईएमएफ होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टू पाई आर, कट गया इससे, पाई से पाई कट गया, इसी ईएमएफ की वैल्यू आ गई कैपिटल आर अपॉन टू डीबी बाई डीटी आ गई, ई ईएमएफ आ गया। ईएमएफ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स लगेगा हर जगह, फोर्स लगेगा ऐसे, चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा हर जगह, फोर्स लगेगा ऐसे। जो नेट फोर्स आएगा वो होगा क्यू इंटू ई, क्यू में ई मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया नेट फोर्स। अभी 20 की दूरी आर से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया टॉर्क। टॉर्क क्या बनेगा? इस रिंग पे जो टॉर्क आएगा क्यू इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई फोर्स इंटू 20 की दूरी आर, टॉर्क आ गया। एंड टॉर्क होता है आई अल्फा, इस एक्सिस के अबाउट आई कितना आएगा? दिस इज एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर आई इंटू अल्फा। अब देखो इस क्वेश्चन में मास दिया गया है, आर दिया गया है, आर दिया गया है, आर दिया गया, क्यू दिया गया है, डी बाई डी टी की वैल्यू दी गई है, सॉल्व करोगे तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा टी के फंक्शन में आएगा। अब इस अल्फा को क्या लिखोगे तुम? डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा डी टी। अब यहाँ से जो अल्फा आएगा उठा के यहाँ पर रख देना और एक इंटीग्रेशन लगा देना, टी बराबर 0 पे ओमेगा 0 है और टी टाइम पे ओमेगा ओमेगा, और टाइम दिया गया 10 सेकेंड पे, ओमेगा सॉल्व करोगे तो आंसर दे देगा। इसके बाद 46 बात है, अ थिन वायर ऑफ नेगलिजिबल मास और स्मॉल स्फीयर स्फेरिकल बॉक्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल परपेंडिकुलर इफेक्टिव लेंथ एल, इफ दिस पेंडुलम इज मेड टू द स्विंग थ्रू ए सेमी वर्टिकल एंगल थीटा अंडर द ग्रेविटी इन प्लेन नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ वायर इज, इफ द पेंडुलम स्विंग इज सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, तो देखो 46 में कह रहा दिस एंगल इज थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, कह रहा है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना डेवलप हुआ है, तो मैक्सिमम ईएमएफ जब ऐसे नीचे पर भागेगा तो जब ये रॉड यहां पर आएगा तभी जाके अ थिन वायर नेग्लिजिबल मास स्मॉल स्फेरिकल बॉब कंसिस्ट ऑफ सेमी लेंथ एल बिटवीन द एंड ऑफ द वायर, ठीक है ये पॉइंट मास है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है, तो मैक्सिमम ओमेगा यहीं पे आएगा, जब इसको रिलीज करोगे तो यहीं पर ओमेगा सबसे जाएगा, तो जो मैक्सिमम ईएमएफ डेवलप होगा वायर के क्रॉस दिस इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, दिस इज द फॉर्मूला, बट ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालने के लिए देखो ये वेलोसिटी भी है, लेट्स दिस इज बी, तो बी को सिर्फ क्या होगा आर ओमेगा, वेलोसिटी भी बराबर आर एल इंटू ओमेगा, वो ओमेगा निकलेगा कब? जब भी निकलेगा, भी निकलने के लिए यहां से आता है एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, भी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस टू जी इंटू ये दूरी, ये दूरी ये, एंड दिस डिस्टेंस इज एल माइनस एल कॉस थीटा, याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन लगा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आते समय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पूरा एल, ये बनेगा एल कॉस थीटा, घटा दो तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये भी आ गया, अभी भी से तुमको मिल गया रूट टू जी एल कॉमन वन माइनस कॉस थीटा, इसको एल ओमेगा कर देना, ओमेगा उठा के यहाँ पे रख देना, तुमको आंसर दे देगा, दैट इज मैक्सिमम ओमेगा। 46 के बाद 48 पर आते हैं, कर अ क्लोज क्वाइल हैविंग 50 टर्न रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट अ डायमीटर विद द परपेंडिकुलर टू द इतना
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 48 रैक इस तरीके से रिंग है जो अपने डायमीटर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड पे घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। तो टी टाइम में मान लो ये जो थीटा घूमेगा दैट इज ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। तो जो फ्लक्स आएगा जैसे बी डॉट ए, फॉर्मूला होता है फ्लक्स का बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी, और उन्होंने एरिया क्या दिया हुआ 50 टर्न इन मैग्नेटिक फील्ड, 50 टर्न, तो इसमें एन भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न लग गया। फिर एंगुलर वेलोसिटी इतना कांस्टेंट ओमेगा बी भी दिया गया, ठीक है, रेडियस दिया गया, डायमीटर विथ इतना द एरिया ऑफ द कॉइल इज दिस, एरिया दिया गया है, एन दिया गया है, बी दिया गया, थीटा आ गया। अब इनएफ निकालना, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो बनेगा एन बी ए कॉस का बनेगा साइन थीटा। लेकिन एक सेकेंड, थीटा को तुम ओमेगा टी लिख सकते हो, थीटा को तुम ओमेगा टी लिख सकते हो, इस कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएट कर दो तो ओमेगा का टर्म बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा तुम्हारा ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द ईएमएफ। और ये क्यों है भाई, प्लेन ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इनिशियल प्लेन का नॉर्मल और इसके बीच में एंगल जीरो है, टी टाइम ये प्लेन थीटा एंगल घूम जाएगा, तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा और फील्ड हो जाएगा ऐसे, ये है थीटा। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा, तो क्या होगा फॉर्मूला, बी डॉट ए फॉर्मूला होता है, तो बी ए कॉस नंबर ऑफ टर्न एन मल्टीप्लाई करते हैं। अब पूछा इस ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम ईएमएफ, तो मैक्सिमम ये होगा ई पार्ट का जो आंसर है, दिस इज एन बी ए ओमेगा। और एफ का पूछ क्या रहा है, एवरेज ईएमएफ ऑफ द लूप इज दैट इज जीरो, इसका जो एवरेज लगाओगे साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, जीरो, एवरेज ईएमएफ जीरो। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 56 कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। देखो एंटर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है दैट इज ए नॉट, ए नॉट इज नथिंग बट 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहे हैं यहाँ पे एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बताइए, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 μ0 × b² b निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0 I/2 r होता है, और r बनेगा a नॉट, और i बनेगा कन्वेक्शन करंट दैट इज qf, तो μ0/2 a0 एंड i इज कन्वेक्शन करंट qf, q बनेगा e into f इज फ्रीक्वेंसी। अब देखो फील्ड की वैल्यू उठा के तुम यहाँ प्रेस कर दोगे, तुमको आंसर बता देगा। क्वेश्चन में म्यू नॉट की वैल्यू पता होती है, ए नॉट तुम्हें पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी तुम्हें, फर्स्ट ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इट इज 2 π r, r की जगह पे ए नॉट अपॉन वेलोसिटी लिखेंगे, ए नॉट 0.53 पता, टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी इसका 1/f बनेगा। ए नॉट पता है, बी निकालना, हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी फॉर्मूला होता है 2.16 × 10⁶ जेड अपॉन एफ फॉर्मूला होता है। अब फर्स्ट ऑर्बिट का एन वैल्यू यहां से टाइम पीरियड आएगा फ्रीक्वेंसी उल्टा फ्रीक्वेंसी, व्हाट वैल्यू यहां से टाइम पीरियड आएगा फ्रीक्वेंसी उल्टा फ्रीक्वेंसी, व्हाट वैल्यू यहां से टाइम पीरियड आएगा फ्रीक्वेंसी उल्टा फ्रीक्वेंसी, व्हाट वैल्यू यहां से टाइम पीरियड आएगा फ्रीक्वेंसी उल्टा फ्रीक्वेंसी। यहां प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां प्लेस करोगे तब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक मिनट नोट करने दीजिए। यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द 0.4 वोल्ट बैटरी, द करंट इन द कॉइल इज 63 मिली एम्पियर, 1 सेकंड आफ्टर द बैटरी इज कनेक्टेड फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, फाइंड इंडक्टेंस।
A coil of 4 ohm is connected across the battery with 0.4 volt. The current in the coil is 63 millisievert, 1 second after the connected. ठीक है, तो ये 62 जो क्वेश्चन है वो चार्जिंग का क्वेश्चन है, कि इंडक्टर एक रेजिस्टर एक बैटरी लगा दिया, तो चार्जिंग का फंक्शन क्या होता है करंट ग्रोथ का, I बराबर आई एस एस, आई एस एस होता है ईएमएफ अपॉन आर, ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी, टाउ सी होता है एल अपॉन आर। अब करंट आई की वैल्यू कितना दे रहा हो, 63 मिली एम्पियर हो गया, तो यहां पर रख दो। ईएमएफ कितना दिया गया क्वेश्चन में, 0.4 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 4 ओम है। 1 माइनस ई का पावर माइनस टी, टी के जगह पे क्या गया, 0.1 सेकेंड, नहीं 1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड है, 1 या 0.1 को ये क्या, मिली एम्पियर 1 सेकेंड आफ्टर, मे बी 1 सेकेंड हो, तो टी के जगह पे 1 रख दो। आर कितना दिया गया, 4, और एल निकालने को कहा गया, बस इसको सॉल्व कर दो, बाद में लॉग ले लेना आंसर दे देगा। या ई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ई टू द पावर माइनस वन है ना, ई का पावर माइनस वन की वैल्यू है, ई टू द पावर माइनस वन की वैल्यू है 0.37 शायद, देखो तो ये पता है ये वन है, तो ये टू से टू कटेगा तो माइनस टू बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हो ऐसे, ये बनेगा 0.1, यहाँ से ये बनेगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हो ई का पावर माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो e का पावर माइनस वन 0.37 उठा के यहाँ पर रख देना, सॉल्व कर देना, और l कहाँ गया यार, l तो बचा रह गया ना, l बचा रह गया ऐसे, तो तुम्हें पता है कैसे सॉल्व होगा, इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो ये भी माइनस वन इंटू फोर है ना, तो स्क्वायर थोड़ी करेंगे। पूछ रहे इसको अंतिम में वो करना पड़ेगा, इसको इधर लेके जाओ, कितना आएगा बताओ, तो ये 4 से 4 का 0.1 बनेगा, ये कितना आएगा 63, 0.63 बन जाएगा, नहीं कितना बनेगा, हाँ ये बनेगा, फिर 1 बनेगा e का पावर माइनस 4 अपॉन l बनेगा, इसको इधर भेज दोगे तो बन जाएगा e का पावर माइनस 4 अपॉन l इज इक्वल टू, ये बनेगा 37 बन जाएगा, बन जाएगा, और ये t का पावर माइनस 1 होता है, इससे 4 अपॉन l की वैल्यू 1 आ गई, दिस मींस l इज 400, आंसर इज 400। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद खत्म, गुड, ठीक है। अब पार्ट बता, पार्ट टू में नहीं 30 पाएंगे ना, अभी 69 आ गया, 70 में इधर कोई क्वेश्चन है नहीं है, पार्ट टू में बता रहे हो, पार्ट टू में, पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्या डाउट लिख लीजिए डायरेक्ट, अभी जो मैं भेज रहा हूँ मतलब क्वेश्चन जो डाउट में वही नहीं सर, जैसे अभी आप कर रहे थे ना सर, डाउट में जो क्वेश्चन है वो मार्क कर रहे, क्या करो बाबा, सर नाइन वाला बता दीजिएगा, 3 एक सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन्थ, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ऑफ द ऑर्बिट कैप्ट कंडक्टिंग लूप विद ना ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्मॉलर लूप ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 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 इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, रेडियस आर पे नंबर है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, द सेंटर ऑफ ऑर्बिट इज कैप्ट conducting loop of radius small r, the emf induced in the smaller loop due to the motion of electron in electron in, अच्छा इसके वजह से पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसके सेंटर का फील्ड निकालो, फ्लक्स निकालो, डिफरेंशिएट करोगे ईएमएफ आ जाएगा, तो इसके वजह से कितना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एक सेकेंड,
अच्छा बता ही देता हूँ, तो तुम लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा वैसे भी तुम मुझे बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई डी से, या ना भाई 2R से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R, 2R बनेगा, गुड। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स आ जाएगा। अब आई निकल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होता है क्यू एफ, चार्ज ई है और एफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होगा टाइम पीरियड से आएगा, टाइम पीरियड से आएगा, गुड। टाइम पीरियड से होता है, ये होता है तुम्हारा 2 पाई कैपिटल आर अपान भी आएगा। दिस इज टाइम पीरियड, क्या होगा टाइम पीरियड होगा 2 पाई आर अपान भी आ गया। अब भी इक्वल टू, अच्छा भी अपान आर ओमेगा होता है, भी अपान आर ओमेगा होता है, तो भी अपान आर को ओमेगा लिख सकते हो तुम। ओमेगा अल्फा टी के बराबर होता है, ओमेगा इज अल्फा टी, तो यहाँ पे अल्फा टी बन गया। अब जो ईएमएफ आएगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो म्यू नॉट आएगा, पाई आएगा, आर स्क्वायर आएगा अपॉन टू कैपिटल आर, और आई का डिफरेंशिएशन डी क्यू, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, इस आई का डी क्यू बाई डी टी, तो टी से टी, डी क्यू बाई डी टी, तो टी का डिफरेंस 1 हो जाएगा, बस यही बचेगा ई अल्फा अपॉन 2 पाई, तो ई अल्फा अपॉन 2 पाई बन जाएगा। तो आंसर में 4 पाई आर का टर्म, पाई से पाई कट जाएगा, देखो पाई से पाई कटेगा, तो 4R का टर्म बनेगा म्यू नॉट, समझ सकते इसका आंसर क्या आएगा, पाई से पाई कट देगा, आंसर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके 2 एडमिटेड क्वार्टजल 14, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई सर्कुलेटिंग इन सेम डायरेक्शन, द लूप अप्रोचेस ईच अदर, द करेंट इन ईच लूप विल डिक्रीजेस, क्या होगा। द टू आइडेंटिकल क्वैक्सल सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई ईच सर्कुलेटिंग इन सेम डायरेक्शन, द लूप अप्रोचेस टू ईच अदर, ऐसा है। इस तरीके से इसमें भी करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। द करेंट इन ईच लूप विल डिक्रीजेस, द करेंट इन ईच विल इंक्रीजेस, द करेंट इन ईच रिमेन सेम, करेंट इन लूप विल इंक्रीजेस एंड इन अदर लूप डिक्रीजेस। ये तो गलत कह रहा है, तुम जितना इन दोनों को पास लेके जाओगे ना, जितना पास लेके जाओगे उतना ही फ्लक्स तेजी से बढ़ेगा, उतना ही फ्लक्स तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ये फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, इस तरीके से ऐसे होती हैं फील्ड लाइंस, जिस तरीके से इसका होगा वैसे इसका होगा, तो जितना पास लेके आओगे उतना ही ज्यादा इसमें फ्लक्स लिंक होगा, और जितना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा उतना ही ज्यादा इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, और ईएमएफ जितना डेवलप होगा करंट उतना ही इंक्रीज करेगा, तो करंट इन ईच लूप इंक्रीजेस, तो बी पार्ट इज आंसर। 15, 16, 17, 16, 16 में कह रहा है द मैग्नेट इज पुश टुवर्ड द फिक्स्ड रिंग, ये रिंग फिक्स्ड है और ये इसकी तरफ आ रहा है, व्हेन द मैग्नेट गोज टुवर्ड द रिंग द फेस बी बिकम साउथ पोल, देखो जब ये इसके तरफ जाएगा, इसके तरफ जाएगा तो ये रिपल करेगा, अगर ये रिपल करेगा इसको ताकि इसे फ्लक्स का चेंज ना हो, इसका मतलब कि जो बी है ऐसे नॉर्थ पोल ऐसे साउथ पोल बन जाएगा ताकि एक दूसरे को रिपल करे। व्हेन मैग्नेट गो टुवर्ड द रिंग द बी बिकम साउथ पोल, गलत कर रहा है, बी क्या बनेगा नॉर्थ पोल। व्हेन मैग्नेट गोज अवे फ्रॉम द रिंग द बी बिकम्स नॉर्थ पोल, गलत कर रहा है, जब ये दूर जाएगा मैग्नेट दूर जाएगा तो ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा ताकि अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा, घटने से रोकने के लिए उसको रोकेगा, रुक जाओ, तो नॉर्थ होगा तो साउथ बन जाएगा, ये भी गलत कह रहा है। व्हेन मैग्नेट गोज अवे द फेस ई बिकम्स नॉर्थ पोल एंड बी बिकम्स साउथ पोल, ये सही कह रहा है कि जब मैग्नेट दूर जाएगा, जब दूर जाएगा तो बी साउथ पोल बन जाएगा ताकि इसको अट्रैक्ट करे, ताकि फ्लक्स भी जो घट रहा है वो घटने ना दे। 17, 18, 19,
जब ये, सर 16 समझ नहीं या आया अगर मैग्नेट दूर सर, जाएगा, ए का मैग्नेट कैसे दूर जाता है तो पोलैरिटी रिंग पता मैग्नेट को चला? अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा बताओ। अगर ये मैग्नेट दूर जाता है तो रिंग अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो कैसे बनेगा? इधर साउथ पोल होना चाहिए कि नॉर्थ पोल होना चाहिए? उड़ ये जाएगा तो बताओ अट्रैक्ट तो भाई, करेगा। ये नॉर्थ के बगल में साउथ पोल बनना चाहिए ना। बताओ हाँ सर। सर और जो 14 था आपने बताया है सर, उसका आंसर आइडेंटिकल पीछे ए पार्शियल पार्ट दिया सर्कुलर लूप है। करिंग आई इन ईच लूप अप्रोचेस, इधर लूप एक दूसरे तरफ जा रहा है, ये इसके तरफ जा रहा है, इसके तरफ जा रहा है, करंट इन ईच लूप डिक्रीजेस। ये तो गलत कह रहा है, करंट इंक्रीज करेगा क्योंकि जब इधर आएगा तो ये इस तरीके से होती है ब्रांच, ऐसे होते हैं ऐसे फील्ड लाइंस होती हैं। तो जितना ये पास में आएगा उतना ही फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, उतना ही फ्लक्स तेज इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर बी पार्ट ही होना चाहिए, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26 में कह रहा है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप एडीसी, ये एडीसी ट्वेंटी हैविंग सिक्स सम रेजिस्टेंस पुल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी वी, टी वर्ड द डीसी ऑफ द लूप इज एज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी इक्विलेटरल एंगल एडीसी हैव सम रेजिस्टेंस इज पुल्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनटू द पेपर, टाइम टी बराबर 0, डीसी ऑफ द लूप इज एज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द करंट वर्सेस टाइम है, ठीक है। तो कुछ समय बाद ये लूप ऐसा हो जाएगा, तो देखो ईएमएफ घट रहा है ना, ये पार्ट लेंथ घट रहा है, बीबीएल ईएमएफ होता है बीबीएल, कुछ समय बाद ये ऐसा हो जाएगा, लेंथ घटेगा ना, लेंथ घटेगा इसका मतलब क्या हो गया? ईएमएफ घट रहा है, लेंथ घट रहा है मतलब ईएमएफ घट रहा है, ईएमएफ घटेगा तो करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन है करंट डिक्रीज इस फंक्शन से करेगा कि इस फंक्शन से करेगा, ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पे लिख के, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में पहले से करंट दिया हुआ है ना, तो जितना पास जाएगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ आएगा, उतना ही तेज फ्लक्स चेंज करेगा, तो उतना ही ज्यादा करंट उल्टा सेंस में फ्लो करेगा दोनों में, तो दोनों में करंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं ये समझ रहा था ना कि जो इंड्यूस करंट आ रहा है, उल्टा वाला जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बढ़नी चाहिए, तो नेट करंट को डिक्रीज कर देगा, तो नेट करंट की बात कर रहा हूँ, घटेगा कि नहीं, तो नेट करंट डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 26, 26 में इस तरीके से रीजन है, इस लेंथ को एक्स मान लो, ईएमएफ इसी यहीं पे डेवलप होगा, सी इसी लूप में डेवलप होगा, ईएमएफ रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो करंट क्या होगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ निकालेंगे इस लूप से, तो फ्लक्स क्या लिखोगे? फ्लक्स लिखोगे तुम, अगर ये वाला एंगल लेट्स थीटा है तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ये ट्रायंगल के एरिया बनेगा, तो एरिया क्या बनेगा? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, अच्छा ये दूरी एक्स है तो ये क्या बनेगा? एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, तो ये क्या बनेगा? एक्स टेन थीटा, दिस इज 2x tan थीटा, दिस इज 2x tan थीटा बेस इनटू परपेंडिकुलर, फ्लक्स आ गया। अब डिफरेंशिएट करो ईएमएफ के लिए, तो बनेगा बी टेन थीटा, एक्स स्क्वायर बनेगा 2x, 2x डीएक्स बाई डीटी, डीएक्स बाई डीटी इस फ्रेम की वेलोसिटी है बी। अब देखो ईएमएफ आ गया इतना, तो करंट आई क्या आएगा? दिस इज बी टेन थीटा इंटू 2x बी अपॉन आर, तो आई एक्स के साथ लीनियर प्रोपोर्शनल है, और एक्स जेपी कह सकते हो भी टी, एक्स जेपी कह सकते हो भी टी, तो भी का स्क्वायर इंटू टी बन जाएगा, तो जो करंट आया वो टाइम के साथ लीनियर प्रोपोर्शनल है,
लीनियर प्रोपोर्शनली से डिक्रीज करेगा बेसिकली, वो डिक्रीज करेगा, तो करंट विल बी डिक्रीज, द आंसर विल बी बी पार्ट, लीनियर प्रोपोर्शनली से डिक्रीज करेगा। जाते हाँ, तो आया था एक्स स्क्वायर आया ये, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x नहीं बनेगा, सर एरिया में एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो इसके बाद ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 27 में सर, 28, तो एक बार ही बता दीजिए, 27, 30, वन सेकंड, 29, 29 के बाद 30, इसके बाद 30 से लेके 31, 33, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 37 के बाद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 52, 58, 57 का ही और भी वो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ सर, 57 भी 58 भी, इसको नहीं 58 क्या डिस्कस करें, शुरू से ही डिस्कस करते हैं। ट्वेंटी सेवन में कह रहे कि एट द पोजिशन एम एन क्यू द स्पीड ऑफ रिंग इज वी, देन पोटेंशियल डिफरेंस डबल एक्स क्रॉस द रिंग, इस रिंग के क्रॉस कितने डबल होगा, वी बी एल डबल होगा, वी बी एल, ये लेंथ लिखोगे सिर्फ ये लेंथ, वी बी एल में एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसके इसके बीच का, तो वी वी बी और एल बनेगा टू, क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ल्ड बाय पुलिंग द लूप इज आउट फॉर्मली इन 1 सेकंड, 1 सेकंड बाहर, और ये इसका लेंथ है, 1 सेकंड बाहर निकल रहा है, तो वेलोसिटी क्या आएगी, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर लेंथ, 1 सेकंड बाहर, ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो बीबीएल, बी बी एल ईएमएफ, रेजिस्टेंस है फिगर लूप 1 मीटर, रेजिस्टेंस टोटल 1 एम्पियर है, तो करंट कितना डेवलप होगा, ईएमएफ अपॉन आर, दैट इज 1। अब वर्क डन बाय पुलिंग लूप, वर्क डन, अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी, तो आई 1 है, एल बी 1 है, बी बी 1 है, फोर्स आ गया 1, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है 1 एंड डिस्प्लेसमेंट 1 के बराबर है ना, 1 1 मीटर, द वर्क डन इज 1, तो तुम्हें 1 जरूर करना पड़ेगा, वैसे भी जब कोई चीज वन होती है तो हर चीज वन आती है, देखो इसमें हर चीज वन आ रही है, अरे समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी नॉट एंड वी ओ एंड वी ए, इसके इसके बीच के में फर्क है, तो मैं कहा था ना कि अगर ये आईसीएआर की तरह से काम कर रहा है, आईसीएआर की तरह से काम कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो ईएमएफ फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, तो बी ओमेगा को ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, वी अपान आर बनेगा बाई टू, और एल किसके बराबर होगा, तो आर बराबर होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, तो बी टू ओमेगा होगा वी अपान आर, सेंट्रल वेलोसिटी वी अपान आर, और एल क्या है, ओ और ए के बीच की दूरी है, दैट इज आर, तो बन गया बी वी बाई टू कटवाएगा, तो आंसर इज, अच्छा ए और बी इसमें कोई एक सही है, तो कौन सही है, हायर पोटेंशियल पे निकालना पड़ेगा हमें,
वो है कि तो मैग्नेटिक मेरे तरफ है ना, तो v क्रॉस v थंब नीचे आ गया, मतलब हायर प्रायोरिटी पे नीचे वाला है, ये विल बी एट हायर प्रायोरिटी, वो लोअर प्रायोरिटी में होगा, तो वो से एक हटाएंगे तो निगेटिव बन जाएगा, आंसर इसी पार्ट। इसके बाद फिफ्टी टू में कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड ए एंड बी इज प्लेस इन एक्स वाई प्लेन, अ वेरी लॉन्ग वायर इज ऑल्सो प्लेस इन एक्स वाई प्लेन सो दैट द साइड ऑफ लेंथ ए ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड नियरेस्ट एज ऑफ द लूप इज डी, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू। तो 52 को मैं व्हाइट बोर्ड लेके चल रहा हूँ, बट कुछ नहीं था, करंट फ्लो करके तुम फ्लक्स निकाल लेते हैं, आंसर दे देता। क्वेश्चन नंबर 52, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ रेडियस ए एंड बी, साइड ए एंड बी, अ वेरी लॉन्ग वायर इज प्लेस सच दैट द साइड ऑफ लेंथ ए लूप इज पैरेलल टू द, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये दूरी डी है। अब इसमें करंट आई निकालो और इससे फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तुम्हें, कि डीएक्स का स्ट्रिप लगा ऐसे, तो डी फाई बनेगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई x मल्टीप्लाई बाई ए वाला एरिया, तो अगर ये डीएक्स है और ये दूरी ए है तो बनेगा ए इंटू डीएक्स। नाउ इंटीग्रेशन, लिमिट x की d से लेके e है ना, तो d प्लस बी तक जाएगा, d से लेके d प्लस बी तक, आईसी फ्लक्स एल आई एम आई कर दो, आई से आई कट जाएगा, एम की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई a एल एन डी प्लस बी डिवाइड बाई डी, आंसर। फ्लक्स निकाल के एम आई बराबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है द टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 100 मिली एंड 40 मिली हेनरी प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर, फाइंड द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू व्हेन 4 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू देम इज। प्लेस वेरी कोइंसिडेंटली, अच्छा एक चीज तुम ध्यान रखना हमेशा के लिए, अगर एक लूप का इंडक्टेंस L1 है और दूसरे लूप का इंडक्टेंस L2 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो म्यूचुअल की वैल्यू होती है दैट इज रूट L1 L2 एक K होता है, दैट इज कपलिंग फैक्टर, एक फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है K रूट L1 L2, K को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। तो क्योंकि पूछे कि मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम क्या आएगी जब K 1 होगा, K बेसिकली 1 और 0 के बीच में लाई करता है, तो कि M की मैक्सिमम क्या होगी, तो रूट L1 L2 होती है, प्लेस कर दोगे रूट एलेवन इंटू, आंसर दे देगा। दूसरी चीज अगर नहीं दिया गया फिर पूछे म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, तभी भी रूट एलेवन इंटू ही लगाते, डिफॉल्ट केस में के को 1 माना जाता है, तो रूट एलेवन इंटू लगा देना, आंसर दे देगा 100 इंटू 400 का रूट, आंसर इज 200 मिली हेनरी। इसके बाद हाँ एकदम सही कर रहे, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। 57 में क्या सर, ये कितने भी इंडक्टर पास में हो सबके लिए वैलिड है। 57 कह रहा है सर, 57 का ए और बी पार्ट इस तरीके से निकालेंगे कैसे, एक कैपेसिटर लगा लो, यहाँ पे स्विच है, एलसी सर्किट कैपेसिटेंस सी है द चार्ज की 1 2 सी है द चार्ज 2 क्यू, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे 2 क्यू का चार्ज है, देन आप स्विच टी और जीरो क्लोज कर दिया गया, कौन बताना पार्ट बताओ, यंट कौन कौन बताना है, will be get equally distributed in both, the energy will be get equally distributed in both capacitor just after first and switch, second equally distributed है, देखो energy का formula क्या होता है, A and B,
कैपेसिटर का हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है, तो इस यहाँ पर आएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और यही चीज उठा के जब यहाँ प्लेस करोगे इसकी एनर्जी निकालने के लिए, तो ये बनेगी पहले की एनर्जी, और दूसरी क्या बनेगी, हाफ टू क्यू का स्क्वायर दैट इज फोर क्यू का स्क्वायर अपॉन सी क्या टू सी, तो बन क्या क्या टू टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी बन गया ना, तो इसका मतलब दूसरी की जो एनर्जी है वो पहले से ट्वाइस ज्यादा है। ये पार्ट इज रॉन्ग आंसर, एनर्जी विल गेट इक्वली शेयर्ड इन बोथ कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अच्छा एक सेकेंड, नहीं तभी भी नहीं हो पाएगा, मूव करने इक्वली जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज तो डीसी, चार्ज मुझे मूव बताओ करेगा ना। ये दोनों पैरल हो जाएंगे ना, अगर इसको नाम जीरो जीरो दोगे ये पैरल हो जाएंगे ना दोनों कैपेसिटर जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज पैरल हो जाएंगे, बताओ स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद क्या कैपेसिटर पैरल होंगे कि नहीं होंगे। देखो वी जीरो वी जीरो वी जीरो, अब कैपेसिटर पैरल हो गए तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी यस एनर्जी हमेशा पैरल होंगे, तो कैपेसिटर एनर्जी थी हाफ क्यू सर स्क्वायर, होंगे। तो बड़ी डिफरेंस सेम है, तो सी के रेशियो में चला गया, कैपेसिटर इसका टू सी है इसका सी है, तो फिर एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इक्वल नहीं है एनर्जी दोनों पे, अलग अलग है हमेशा, ट्वाइस का अंतर है। बी पार्ट, इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करेंट इन इंडक्टर विल बी टू क्यू अपॉन थ्री सी एल। अच्छा ठीक है, अच्छा ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस सब बराबर आएगा। अच्छा ये टू क्यू बाई टू सी पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी आ गया, यहाँ पर भी क्यू बाई सी, इसका मतलब इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्यू बाई सी ही होगा, क्यू बाई सी क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी इक्वल टू इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इंडक्टर का ई एम एफ होता है एल डी आई बाई डी टी, ये इंडक्टर का ई एम एफ होता है, इसको एल डी आई बाई डी टी बराबर कर दो, इससे डी आई बाई डी टी की वैल्यू मिल गई तुम्हारा क्यू अपान एल सी, तो आंसर इज क्यू अपान एल सी, इसका मतलब कि वो गलत दे रखा है, बी पार्ट इज रॉन्ग आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 58 पे, 58 में कह रहा है कि अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस सी वन सी टू के वन इज ओपन के टू इज क्लोज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विल बी, सर्किट बनाते रह जाएंगे, व्हाइट बोर्ड से हटते हैं पहले, क्वेश्चन पे ही चलता है। कह रहा है कि अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस सी वन सी टू एंड स्टडी स्टेट व्हेन एस वन इज क्लोज्ड, एस वन क्लोज्ड है, ये क्लोज है तो स्टडी स्टेट पे है, ये पूरा पूरा स्टडी स्टेट पे है, इसका मतलब ये दो का, ये दो का है, ये 20 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, तो टी बराबर 0 पे यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा। अब क्या किया गया, के वन को ओपन कर दिया गया, इसको हटा दिया गया और के टू को क्लोज कर दिया गया, तो अगर इसको हटा दोगे तो ये तो कैपेसिटर बेकार हो गया ना, ये कैपेसिटर बेकार हो गया क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर पाएगा क्योंकि ओपन है, हाँ बट ये वाला फ्लो करेगा। कह रहा है द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज, इसमें मैक्सिमम करंट कितना आएगा, अच्छा इस सर्किट का मैक्सिमम करंट क्या होगा, ये देखो एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, तो जो ये कैपेसिटर की एनर्जी है जब वही इंडक्टर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो करंट सबसे ज्यादा आएगा, तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी इंटू वी 10 का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर, ये एल है तो हाफ एल की जगह पे 0.2 इंटू आई का स्क्वायर, ये 2 से 2 कटेगा ये भी 2 से 2 कटेगा, तो आई के वैल्यू करीब 10 का टर्म में आएगा, मतलब 1 एम्पियर आंसर हो जाएगा, बात समझ में। हेलो